स्टेज तो गल रखिया जाए मुगल हुकूमत के खिलाफ केंद्र हुकूमत के खिलाफ होन जड़िया आपसी होंगे उस स्टेज तो नहीं रखिया जाए स्टेज तो एक दूजे की भंडी नहीं की जाती। मोदी हुकूमत नूं पता लग्या भी जदों सुत्ता होया बब्बर शेर जाग पैंदा उस दिन जागया सी इह सुत्ते होए बब्बर शेर दी दहार ने उह सारियां हुकूमतां दा साह सूते सी कंबड़ी छेड़ी सी 26 तरीक नूं अज तो चार दिन पहला यूएनओ दे विच भी इस मोदी नूं कटहरे विच खड़ा कीता इस मोर्चे की बदौलत। पहला गज के बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दी जिहड़ी अज दी कानफ्रेंस है जां जिहड़ियां होर पंजाब दे विच कानफ्रेंसां हो रही ने उन्हां दे तीन नुक्ते है जां कह लो भी तीन पॉइंट है। एक हुण तिकर जिहड़ा 100 दिनां तों उपर संयुक्त किसान मोर्चे की अगवाई दे विच मोर्चा चलिया उस मोर्चे दियां हुण तिकर प्राप्तियां की है जित्तां की है ये दसणगियां। दूसरा इहनूं अगे वधाउण दी खातर जित दी मंजिल तिकर पहुँचाउण दी खातर मूहरे इहदे विच की चुनौतियां की है साडी जिहड़ी हुकमरान विरोधी धिर है उहदे वल्लों चुनौतियां की है सानूं समस्यावां की है उहनां समस्यावां नूं किवें हल किया जा सकता उन्हां नूं चुनौतियां नूं किवें स्वीकार किया जा सकता है तां कि इस मोर्चे नूं जित दी मंजिल तिकर छेती पहुँचाया जा सके। ये नुक्ते ने इस इन्हां सारियां कानफ्रेंसां दे। सो सब तो पहला जिथों तिकर इहदियां प्राप्तियां की गल है बहुत प्राप्तियां ने इहदियां हुण तिकर जे दसणियां होण तां मेरा ख्याल है अद्धा घंटा कल्लियां प्राप्तियां दसण ते लग सकदा है। जे एक गल कहनी होवे तां इस मोर्चे ने जिहड़ा सेंटर सरकार वल्लों जदों तों उह मोदी सरकार 7 साल हो गया उहनूं आई नूं 5 साल पहली टर्म दे ते 2 साल होने वाले 7 सालों दे विच बहुत लोगों ते उन्होंने कानून लियांदे आ लोगों विरोधी नीतियां लियांदियां ने आर्थिक हमले किए आ सियासी हमले किए आ पर हुण तक पहली मोर्चा जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चे की अगवाई दे विच आल इंडिया का मोर्चा बन गया समुचे भारत का मोर्चा बन गया यह पहला मोर्चा जिहड़ा उन्होंने इस कानूनां नूं ठल पाई है ते होर कानून लियाउण तों जिहड़े सरकार दे हाथ बन्ने है कल्ला ठल ही नहीं पाई मोदी सरकार नूं पहली बार किसे मोर्चे ने कटहरे दे विच खड़ा कीता है। कटहरा पता किहड़ा हुंदा सुणिया तुसीं बहुत बारी होणा पंजाबी दी कहावत है भी लोकां ने फलानी ताकत नूं कटहरे च खड़ा कर लिया। तुसी अदालत च गए होंगे कचहरी च गए होंगे बहुत बार सारयां नूं जाण दा मौका मिलिया हो जज दे सामने वड्डा टेबल हुंदा ते इक साइड ते चार खाने दा जिहड़ा रखणा जिहा बणिया हुंदा उत्थे जिहड़ा मुरजम हुंदा है उत्थे खड़दा है उत्थे जाके उहदा जिहड़ा मुरजम दा केस सुणिया जांदा उहनूं खड़ा के उह जिहड़ा चार चौरस जिहा जिहड़ा साइड ते जिहड़ा खाना बणाया हुंदा उहनूं कटहरा कहिंदे आ। सो इस अंदोलन ने इस किसान अंदोलन ने सांझे किसान मोर्चे ने मोदी हुकूमत नूं पहली बार उस कटहरे च खड़ा किया है। हुण लोग जज ने ते जिहड़ी मोदी हुकूमत है केंद्रीय हुकूमत है भारतीय जनता पार्टी की अगवाई वाली वह कटहरे च खड़ी हुई है। हुण तुसीं कहोगे भी किवें इहदा की सबूत है कटहरे च खड़े होण दा जिन्हें भी पहली गल है भी हुण यह मुद्दा इस अंदोलन ने जिन्ना हाईलाइट करता उभारता काले कानून वाला दुनिया का की देश का कोई सम्मेलन कोई कानफ्रेंस कोई राज्यसभा का सैशन कोई लोकसभा का सैशन कोई बीजेपी की जिहड़ी मीटिंग है
कोई आरएसएस की मीटिंग होनी नहीं, कोई नहीं होनी जिथे के यह जिहड़ा काले कानून वाला मुद्दा ना एजेंडा बनया हो। हरेक प्रेस दे विच, हरेक रसाले दे विच जिथे भी कोई चर्चा होंदी है तो यह काले कानून की चर्चा होंदी है, भावें दे पक्ष च होंदी होवे भावें दे विरोध च होंदी होवे पर चर्चा होंदी है। सो घर घर बच्चे बच्चे तक चर्चा का विशा बना देना यह इहदी एक वड्डी प्राप्ति है। इकला इंडिया दे विच नहीं, दूजे देशों दे विच, दूजे देशों दे पार्लीमेंटा दे विच, कनेडा च, इंग्लैंड च, अमरीका च पार्लीमेंटा दे विच यह एजेंडा बनिया काले कानून वाला, जिहड़ा काले कानून ते जिहड़ा अंदोलन है यह उन्हां दीआं पार्लीमेंटा दे विच जिथे सारे देश दे चुने हुए नुमाइंदे बैंदे आ, भावें उह देश पार्लीमेंट इंग्लैंड दी होवे भावें अमरीका दी होवे, ते एजेंडा बनदा तुहाडा जिहड़ा किसानां वल्लों शुरू किया काले कानूनां विरोधी मोर्चा, यह एजेंडा बनता उत्थे। इदों भी अगली गल, यूएनओ सुनिया सारे देशों की सांझी पार्लीमेंट कह लो पंचायत कह लो, अज तो चार दिन पहला यूएनओ दे विच भी इस मोदी नूं कटहरे विच खड़ा किया इस मोर्चे की बदौलत। वह किवें कटहरे च खड़ा किया, 2018 दे विच यूएनओ दे विच एक मता पास होया जिहदे भारत का जिहड़ा उत्थे नुमाइंदा गया सीगा उहदे दस्तखत है उहदे ते, 2018 वाले मते ते। वह मता सी बई जे कोई किसी भी देश ने कोई कानून पास करना जिहड़ा कि विशाल लोकां दे हिस्सा नूं प्रभावित करता होवे तां उह कानून पास करन तों पहला उहनां लोकां च लिआउणा, उन्हां लोकां च डिस्कस करना, उन्हां लोकां दी राय लैणी, चर्चा कराउणी है, जरूरी है, फिर कानून पास हो, उदों बिना कानून पास हो नहीं सकदा। पर मोदी सरकार ने कोविड आह करोना दा आड़ दे विच इह कानून लिया के जून दे विच तेजी दे नाल चुप चपीते बिना कोई डिस्कस किते बिना कोई चर्चा किते यह पास कराया, कहने का भाव 2018 वाला यूएनओ का मता है जिते भारत दे सैना उहदा खुद लंघना कीती है। ते हुण आ जिहड़ा परसों के चौथे यूएनओ की बैठक होई है उत्थे यह एजेंडा बढ़िया भी जिहड़ा भारत सरकार ने मोदी सरकार ने यह बिना लोगों की चर्चा तो बिना किसानों की सहमति तो बिना जां उहनां दी राय तो बिना जिहड़ा कानून पास कीता इहदे विच भारत सरकार दोषी है। सो यह जिहड़ियां सारियां दुनिया पद्धर दे अदारियां दे विच जे कहण दा भाव भरावो यह कानून आया तां यह जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चे की अगवाई दे विच चलिया पंजाब तो शुरू होया ते सारे सूबयां दे विच फैलिया किसान अंदोलन ही है। इस तों बिना दीआं होर भी प्राप्तियां ने, मैं कहूँ जिहड़ी 26 जनवरी वाली घटना जदों भी इतिहास दे विच इस अंदोलन का किते विश्लेषण होया, विश्लेषण जां होऊगा रिव्यू होऊगा तां 26 जनवरी वाली घटना जरूर विचारी जाऊगी। वो 26 जनवरी वाली दिन ही सीगा, वो 26 जनवरी वाली परेड का दिन ही सी जदों पहली बार मोदी हुकूमत नूं पता लग्या भी जदों सुत्ता होया बब्बर शेर जाग पैंदा, उस दिन जागया सी इह सुत्ते हुए बब्बर शेर दी दहाड़ ने उह सारियां हुकूमतां दा साह सूते सी, कंबड़ी छेड़ी सी 26 तरीक नूं। उहदे सबूत की है, अपने एडवोकेट अजीतपाल मंडेर उन्होंने आना भी है, वह कह के गए आवेंगे, उन्हों का बहुत बड़ा योगदान है ये जोड़े केस बने इस अंदोलन के सारे जिन्हें ग्रुप बने हैं 8-9 अदालतों ने दिल्ली के छोटिया अदालतों और सारिया अदालतों के 5-5, 7-7 वकीलों का फ्री केस लड़न वाला ग्रुप बने हुए ने। वह सारे ग्रुपां दे आगूआं चो अजीतपाल मंडेर, उसने कल सानू गल दसी, वह कहिंदे जिहड़ा एस
दिल्ली पुलिस का पुलिस कमिश्नर है, सारी दिल्ली पुलिस का बड़ा पुलिस अधिकारी है, उसने वकीलों को मनिया, कहना साढ़े को मनिया भी 26 जनवरी सरकार के सांस उत्ते हुए सी, उन्होंने भी जे इन्होंने खिलाफ किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई की पता नहीं किड्डी बगावत उठ खड़ूगी, उन्होंने सांस उत्ते हुए सी, चुप बट्टी हुई सी, केस कूस बनाने की कोई उन्होंने स्कीम नहीं सी, कोई परचा दर्ज करने की स्कीम नहीं सी, केस जो दर्ज हो बाद दर्ज हो जो उन्होंने पता लग्या भी कुछ किसान मोर्चा भी इस ते एक मत नहीं, वो तुसी नोट कर लो जिन्हियां FIR है ने 27 तरीक दियां 26 तरीक जिदे घटना हुई है उस दिन दियां FIR बहुत घट है, 27 तरीक दियां ने 28 दियां ने जां 29 दियां ने, सो कहण दा भाव 26 तरीक कोई उन्होंने सुध नहीं रहा सी ना उन्होंने स्कीम सी, सो इस करके जिहड़ा सुत्या होया शेर जो जाग पैंदा उदों हजे 5 सूबयां दा शेर जागया सी, ते जो सारे सूबयां दा जिहड़ा सुत्या होया किसान है मजदूर है किरती कारोबारी लोग जाग पे इस अंदोलन ने जगाते, फिर कोई सवाल ही नहीं पैदा हुंदा भी मोदी सरकार खड़ जे, उदू गांह वाली गल सुन लो, इस दा जिहड़ा प्रैशर है कईआं नूं लगदा भी लम्मा होण दे नाल सरकार ते दबाव घटदा है, लम्मा जिन्ना मोर्चा हुंदा कोई दबाव घटिया नहीं, जिन्ना लम्मा होई जांदा उन्ना उहदे प्रचार भी लम्मा होई जांदा, प्रचार दा घेरा भी विशाल होई जांदा, उन्ना उहदे ते दबाव वध रहा, दबाव वधण दे नाल जिवें मकान दी न्यों ते जदों दाब वधदी है ते फिर कंधा फेर तिड़कदिया ने, पहला न्यों ते दबाव वधदा न्यों हिलदी है, इस अंदोलन ने भरावो इन्हां दी भारतीय जनता पार्टी की न्यों हिलाई हुई है, जिहड़े इन्हां दीआं वड्डीआं वड्डीआं तोपां डिग रहीआं ने वह हिली हुई न्यों दीआं निशानियां ने, इन्हां दी मां जथेबंदी है भारतीय जनता पार्टी की जिहनूं RSS कहिंदे आ, इन्हां दे वड्डे वड्डे लीडर है राजनाथ सिंह वर्गे जिहड़े गृह मंत्री है उन्हां दी सुर उन्हां दी वक्खरी सुर सामने आउणी शुरू हो गई, उन्होंने बयान देने शुरू करते भी किसानां दा सुननी चाहीदी है, असीं किसानां नूं नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जे राजनाथ नूं इह बयान देना पिया इहदा भाव जे उह कहिंदा भी सुननी चाहीदी है, इहदा भाव है भी हुण तक सरकार ने सुनी नहीं, सो इह उन्हां दा जिहड़ा मोर्चे दा दवाई है, पिछले दिनी इन्हां दा जिहड़ा नागपुर दे विच वड्डा दफ्तर है RSS दा उत्थे मीटिंग होई है, उन्हां दी केंद्री उन्हां दी जिहड़ी नैशनल जिहड़ी कौंसल दी मीटिंग होई है, वड्डे वड्डे RSS दे जिहड़े आगू उत्थे शामिल होए है, उत्थे भी तुहाडा इह मोर्चा RSS दी मीटिंग होवे कौमी कार्यकारिणी दी मीटिंग होवे उत्थे एजेंडा की सी भी जिहड़ा इह अंदोलन है अंदोलन नूं किवें सामना किया जाए किवें इहनूं टकाया जाए किवें तो खेड़ा छड़ाया जाए, तो उन्होंने फिर उदू बाद बयान दिता मीटिंग तो बाद भी इह अंदोलन निबड़ जे फैसला हो जाए असीं फैसला करना भी चाहुंदे हां, पर कहिंदा कुछ असमाजिक तत् असमाजिक हिंदी का शब्द है भाव समाज विरोधी तत् है, कहिंदे भी उह होण नहीं दे रहे, समाज विरोधी तत् किहनूं कहिंदा जिहड़े इस गल ते अड़े हुए है भी सौदा नहीं कराउणियां सस्पेंड नहीं कराउणे कानून रद्द कराउण तो उरे मुड़ना नहीं MSP दी कानूनी गरंटी कराउण तो बिना मुड़ना नहीं, जिहड़े जथेबंदियां इस स्टैंड ते खड़ियां ने जिहड़े आगू इस स्टैंड ते खड़े है जिहड़ी जनता इस स्टैंड ते खड़ी है भी रद्द कराउण तो बिना मुड़ना नहीं, उन्हां नूं कहिंदी RSS भी इह असमाजिक तत् है इह समाज विरोधी तत् है, सो भरावो एक हिसाब नाल तुहानूं सारिआं नूं समाज विरोधी या समाजिक तत्तां च शामिल करता, ते जे असीं RSS वालिआं नूं पुछणा चाहुंदे हां उह पहलां भी कहिंदे सीगे जदों मीटिंगां तों हजे शुरू नहीं होईआं सी केंद्रीय मंत्रियां नाल बई जिहड़े इत्थे दिल्ली बार्डरां ते बैठे इन्हां च कहिंदे किसान कोई नहीं, इन्हां च खेती किता करन वाला कोई नहीं, इह कांग्रसी है
यह नक्सलाइट है, यह खालिस्तानी है, इन्हां च खेती करन वाला कोई नहीं। तो जदों असीं फिर मीटिंग च एक बार उन्हूं तोमर नूं कहा भी तोमर साहब बाकी गल्लां दा ठीक है, तुसीं अज जिन्हां नूं कहिंदे सीगे भी असीं उही आ जिहड़े बार्डरां तों आए हैं, जिन्हां नूं तुसीं कहा सीगा भी इन्हां च कांग्रेस किसान कोई नहीं, भी हुण सानूं किवें लगदा भी तुसीं गैर किसानां नाल ही मीटिंग करी जांदे हो। उन्हूं शर्मिंदा होया पिया सीगा भी ठीक है, इहो जिहा बयान तां देणे पैंदे हुंदे आ। सो भरावो मैं सारिया जिहड़ियां गल्लां दस दिंदा मोर्चे दे दबा दियां, मोर्चे दियां प्राप्ति दियां, लाजमी कोई निराश होने की लोड़ नहीं। ठीक है, जिवें पहला बलवंत सिंह ने भी दस्या सीगा भी वड्डे अंदोलनां दे विच एक छोटा घर होवे 5-7 जीआं दा, उहदे विच भी कई बार दो राय आ जांदे ने। एडे वड्डे अंदोलन दे विच कोई मतभेद आ जाना छोटा मोटा, कोई वड्डी गैर कुदरती गल नहीं, यह सारिया सुलझ जाणगियां। 26 जनवरी नूं भी कुछ नौजवानों के जिहड़ा थोड़ा जिहा मनमुटाव होया सी, वह मनमुटाव दूर कर लिया, असी प्लैनिंगां बना लिया, सांझी प्रैस कानफ्रेंस की है 7 मार्च नूं भी सारे नौजवानों नूं, सारिया सहयोगी जथेबंदियों नूं, सारिया सिख पंथक जथेबंदियों नूं जिहड़ियां भावें मोर्चे का संयुक्त मोर्चे का मैंबर नहीं पर साडियां सज्जियां खब्बियां बाहां ने, साडियां उंगलां ने, जिवें हरजीत वाली ने दस्या सी उन्हां सारिया उंगलों असी नाल लेके चलांगे, बाकी उंगलों तो बिना दो उंगलों का कुछ नहीं बनता। असी यह अप्रोच ले ली, फैसला कर लिया, उस अप्रोच तहत ही जिहड़ी आ महाराज मीटिंग होई सी उहदे विच सारिया जथेबंदियां बोलियां ने। अपनी जथेबंदी का भी भैण सुखविंदर कौर जिहड़ी कि भारतीय किसान यूनियन की नामजद सूबा कमेटी मैंबर है, बोल के आई है। मस्तुआने जिहड़ी वड्डी इकट्ठ होया नौजवानों का, सिख जथेबंदियों का, किसान जथेबंदियों का, उहदे च बोल के आए हैं। हुण जिहड़ा बाबा हरदीप सिंह डिबडवा, मैं एक मिनट ही लैणा, वह मैं समझदा भी वह हस्ती है एक, अज उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है बाबा हरदीप सिंह डिबडवा जी ने, सारे प्रेस दे विच नौजवान कुड़ियां ते नौजवान लड़कियां नूं संबोधित होके उन्हें कहा, बहुत जिगरे वाली गल कही है भी मेरा पोता नवरीत जिहड़ा अपने माँ प्यो का इकलौता बेटा सी, 26 जनवरी तिकरों साडी कल्यां दी मानत सी, वह फरजंद साडा कल्यां दा सी, पर 26 जनवरी तो बाद वह साडे कल्यां दा, साडे परिवार का नहीं रहा, वह लखां करोड़ां परिवारां दा बन गया नवरीत। ते कल्ला नवरीत ही नहीं लखां करोड़ां दा बनिया, मैं जिहड़ा उहदा दादा सीगा नवरीत दा, ते मैं लखां करोड़ां नौजवानों का दादा बन गया, तो मैं फीलिंग लै रहा भी मैं हुण कल्ला नवरीत का दादा नहीं, मैं नवरीत अरगे लखां करोड़ां नौजवानों का दादा है। जिवें गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सीगा, चार मूए तो क्या हुआ जीवित कई हजार, उहदे पिछे भी यही भावना सी भी मेरे चार ही नहीं, चार ठीक है मेरे जाए सीगे, पर उदू बाद चारां तो बाद आ जिहड़े हजारां लखां करोड़ां ये सारे मेरे बन गए चार बारन तो बाद। सो उन्होंने बेनती की है भई मैं जोर लाऊंगा इस मोर्चे नूं जित तकर पहुंचाउण दी खातर, जिहड़ा नौजवानां ते किसानां विचकार जोश ते होश विचकार, बजुर्ग ते जवान विचकार जिहड़ी थोड़ी जी त्रेड़ आई है, मैं वह त्रेड़ नूं मसाला बन के भरूंगा, मैं लगूंगा मूहरे। तो 25 तरीक नूं जिहड़ा मोगे तो शुरू करके मार्च है कुंडली बार्डर तक जाना, वह मार्च की अगवाई करनगे जिहदे विच लखां नौजवान शामिल होके उन्होंने कहा भी मैं शामिल करके कहूँगा संयुक्त किसान मोर्चे वालों नूं भी आ जिहड़े नौजवान नाराज होए सी मैं सारे नूं दिल्ली लै आया। हुण इह जिहड़ा सवाल है भी नौजवान किसानों की दूरी पैगी मीडिया दे विच इस सवाल नूं खत्म हो जाए। सो भरावो टाइम सीमित है, मैं अखीर दे विच यही कहूँगा सारिया कोई सूझ होनी चाहिए है, एक सांझी पहुँच होनी चाहिए है, बड़िया बड़िया समस्यावां हल हो जांदियां ने।
ਆਪਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਆਇਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭੰਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ 110-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 5-7 ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਡਟੇ ਆ ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਗੂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।